से हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां अलग अलग तरीके से अलग अलग पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी। इस वक्त हम मल्ली विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी भूपाल सिंह भोले जी हैं। इनका अगर जिक्र किया जाए तो ये अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं और इनकी लोकप्रियता इतनी है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो अपनी समस्या लेकर अनवरत इनसे जो है मुलाकात करते रहते हैं बिना किसी पद पे रहे। सर, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है और आपको यहाँ से जो है टिकट मिलता है तो ये सीट आप कैसे जो है जीतेंगे, वो लोगों का भरोसा आप किस तरह से गेन कर पाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा मल्ली की जनता एवं आप लोगों का, पत्रकार बंधुओं का। और मल्ली भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन विषय नहीं है, अगर यहाँ ईमानदारी और निष्पक्षता और विकास के नाम पे यहाँ चुनाव लड़ा जाए और खास करके नीचे से नीचे के तबके के लोगों को साथ में लेकर चुनाव अगर लड़ा जाए तो निश्चित ही यहाँ का चुनाव कमल का फूल यहाँ जीतेगा। आज इनको दर पे दर ठोकर नहीं खानी होती, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ मल्ली से कोई विधायक नहीं बन पाया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम पूरी तरह मल्ली की जनता तैयार खड़ी है। कोई भी प्रत्याशी आएगी मल्ली के लिए तो निश्चित ही यहाँ कमल का फूल खिलने जा रहा है। सर, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए एक बड़ी समस्या है अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है मल्ली में अलग अलग तरह से अलग अलग लोग जो है अपना पूरा प्रयास करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी हो या यहाँ से ही चुनाव लड़ते हैं धनंजय सिंह जी, तो उनका जिक्र होता है, इन दोनों के बीच में क्या आपको भरोसा है कि यहाँ की जनता आपको जो है चुनेगी और उसके पीछे की वजह क्या है कि ऐसी कौन सी खास बात है जिसके चलते जनता आपका चयन करे? देखिए, बिल्कुल बहुत सही आपने रखा है। ये सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ मल्ली किसी की बाप की जागीर नहीं। मल्ली में कोई अच्छे ढंग से आए, कोई नेता भी आएगा, अच्छा कार्य करेगा तो निश्चित ही मल्ली के जनता का सर्वोच्च होगा। मल्ली में लोग, मैं एक बार आपसे बताया कि यहाँ लोग गरीबों के मसीहा बनते हैं, धरातल पे गरीबों के लिए काम नहीं करते। अगर काम करते तो इतने गरीब नहीं रहते मल्ली में। ये लोग भी सारे लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, इनका कोई मतलब है नहीं, इनका पहले हुआ करता था, अब कुछ नहीं है। और माननीय सपा का लकी यादव जी का, ये तो केवल यहाँ गुंडागर्दी और माफियागर्दी कराते थे। यहाँ महिलाएं असुरक्षित महसूस रहती थी, हमेशा बच्चियाँ पढ़ के जाती थी तो रास्ते में कुछ ऐसे उचक्के गुंडा प्रवृत्ति के लोग रास्ते में बैठे रहते थे, बच्चियों को छेड़ने का काम करते थे। यहाँ जो अध्यापिका पढ़ाने के लिए आती थी उनका चैन छीनने के लिए कुछ ऐसे उचक्के खड़े रहते थे। और जनता भी जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तभी हम लोग सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर पाएंगे, वरना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी निरंतर चलती रहती थी। तो ये थे हमारे साथ भूपाल सिंह भोले जी, मल्ली से भावी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पार्टी इनको भरोसे पर लेती है, लोगों का भरोसा मिलता है तो अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जाएगा और लोगों में जो एक माहौल व्याप्त है कि भय, भूख, भ्रष्टाचार, इन तीन जो बड़े मुद्दे हैं, इन तीनों मुद्दों को दूर किया जाएगा और मल्ली में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसके जरिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।